ओम सभी साधकों को और साथियों को राम राम नमस्कार। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल संगीत डोली योगी। तो साथियों, प्यारे बच्चों और महिलाओं, सभी से मैं ये बता रहा हूँ, कल जो एक वीडियो बनाई थी जो कि मधुमेह यानी शुगर के मरीजों के लिए थी, उसका नाम था वक्रासन। आज उनके लिए ही दूसरी वीडियो बना रहे जा रहा हूँ, जिसकी योगासन का नाम, उसका नाम मत्स्येन्द्रासन। जो कि मत्स्येन्द्रासन कौन थे, जो कि आदि गुरुओं की श्रेणी में सबसे ऊपर थे, जो भगवान जो गुरु गोरखनाथ के भी गुरु थे, भगवान मंदिर मच्छेंद्रनाथ सिंह। तो मच्छेंद्रासन जो होता है ना, वो गुरु मच्छेंद्रनाथ के नाम पे बनाया गया है, यानी जो योगी महर्षि बहुत सिद्ध हुए हैं उन्हीं के नाम पे कुछ आसन है जो उन्हीं के नाम पे समर्पित है। तो आपको बता रहे हैं आज मच्छेंद्रासन, तो इसका क्या करना है, इसके भी दो स्टेप है, एक अर्ध मच्छेंद्रासन और एक पूर्ण। तो पहले कैसे करना है, ये तो हम अपनी दंडासन अवस्था में आ जाते हैं, हाथ के पीछे। तो बायां जो पैर है ना, उसको सीधा रखना है, जो दायां पैर है उसको उठा के पहले बायां पैर उठा के दाएं पैर के ऊपर के लेके जाना है, बिल्कुल अपने पीछे की तरफ मोड़ के हिप्स के पास, ये ठीक है। हाथ कैसे रखने हैं आपने, जो हमारा दायां हाथ है उसको ट्विस्ट करके ये लेके जाओगे यहाँ पे, और पीछे की तरफ देखोगे, ये हाथ पीछे जाएगा, इसको बोलते मच्छेंद्रासन, ठीक है। ये होगा पूर्ण, ऐसा ही फिर दूसरी साइड से दूसरा पैर घुमा लेना है, इसके ऊपर दूसरा पैर आएगा, हाथ का ट्विस्ट ये हो जाएगा, ये भी पीछे चला जाएगा, सामने भी देख सकते हो, ये मच्छेंद्रासन, ठीक है। ये हो गया पूर्ण मच्छेंद्रासन, इसी का जो आधा है तो उसमें आपने क्या करना था, यही पैर मोड़ के सेम ये पोजिशन कर लेनी, ये हो गया अर्ध मच्छेंद्रासन, ठीक है। आप दूसरा पैर घुमा लीजिए, उसको भी ऐसे ही कीजिए, और ये छः, और पूरा करने के लिए आप सीधा, आपको पहला स्टेप जो है वो पूरा करने के लिए ऐसा, ये साथियों ये भी मधुमेह के लिए रामबाण इलाज है। ये तीन आसन हो गया आपके, एक वक्रासन, एक अर्ध मत्स्येन्द्रासन और एक पूर्ण मत्स्येन्द्रासन। तो इनका डेली नियमित अभ्यास करें, हर रोज़ 5-3 मिनट से लेके शुरू करें, और धीरे 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 इसको बढ़ाते रहें और इसका लाभ उठाएँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे खान पान और शरीर में कुछ इस तरह का है कि मधुमेह के रोगी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये नियमित अभ्यास करें, इसको डेली 2 से 3 मिनट जरूर करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।